तो जिया जो है बहुत ज्यादा देखती थी बहुत सारे क्रिएटर को इनका लहंगा पहनते हुए, बहुत अच्छा लगता था जिया को। तो ये फाइनली हमारा लहंगा आ गया। वैसे रितु को हम पहले भी दिखा चुके हैं ना, तो कैसा रहता है जी आपको दिखाएगी? बहुत प्यारा है, बहुत। ओके देख लेते हैं, खोलते हैं इसको। माँ ये देखिए ये लहंगा, कैसा लगा माँ आपको लहंगा? नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो पीछे आप देख रहे होंगे कि हमारा ब्लॉग खुला हुआ है, उसको देख कौन रहा है अभी आपको दिखाते हैं। उस ब्लॉग को देख रहा है क्रियांश। कौन है क्रियांश वहाँ ब्लॉग में, कौन है क्रियांश? आ गया पापा के पास। तो यहाँ पे हमारा खाना बन चुका है, तो आज खाने में क्या बना है मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है भिंडी का भुजिया, इधर है आलू का भुजिया, और इधर बना है ये दाल तड़का, और यहाँ पे है रोटी। यहाँ पे रितु वेट कर रही है कि डैडी आए तो डैडी को खाना दे, है ना। 3 hours later अभी रात के 12:03 हो रहे हैं, और हमारे क्रियांश जो है इसके सोने का कोई लक्षण नहीं है। क्रियांश की अभी मालिश की हमने, उसका गाड़ी कैसा है दिखाई, तो तोड़ ताड़ के कैसा कर लिया इसका गाड़ी जो है, इसका लग रहा है एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट हो गया है जो कि क्रियांश ने किया है। क्रियांश देखो भैया, देखो सामने सामने। बाय बाय क्रियांश, क्रियांश क्रियांश बाय बाय क्रियांश। One hour later. अभी रात के 1 बजने वाले हैं और क्रियांश सो गया है, और इधर पर हम अपने फेस पे एलोवेरा लगा रहे हैं। हाँ जी, जो कि मेरे बहुत बार बोलने पे कि थोड़ा सा स्किन का केयर कर लीजिए, तो एलोवेरा लगा रहे हैं क्योंकि डार्क सर्कल इनका बढ़ते जा रहा है। और इधर हमने दूध लगाया इनका, जैसे ये हो जाएगा इनका एलोवेरा लगाया हुआ, फिर ये दूध पियेंगे, फिर हम लोग सोएंगे। तो ये है हमारा दूध। ब्रश कर रहे हो? डरेंगे उधर पापा ब्रश कर ले, यहाँ पे देख रहा है पापा क्या कर रहे हैं। कहाँ जा रहे भैया? क्रियांश कहाँ जा रहे हो? खाली हो गए? वेरी गुड। कहाँ जा रहे हो क्रियांश? सीढ़ी पे जितना गंदा रहता है साफ करते करते चलता है। क्रियांश जो है हमेशा ऊपर चलने की कोशिश करता है, और इसको सबसे अच्छा लगता है ऊपर चढ़ना। अगर आप उसको नीचे लेके आइएगा तो गुस्से से आपको पीटेगा। आजकल क्रियांश पीटता भी है। जय कर रहे हो? सबको करो जय जय, कर लो जय जय, जय जय कर लो। क्या नदी की बात पे हंस रहे हो तुम? तो मिर्ची है क्रियांश, दे 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 कर रहा है। मिर्ची लगा रहे, चल 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 चल। रितु गई दादिया लड़ो क्रियांश। तो क्रियांश चला गया अपने पापा के पास, और मुझे मिल गया है टाइम, तो मैं जल्दी से बेड को ठीक करती हूँ। हम लोग सोते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्रियांश बस खेलता है, सोता नहीं है क्योंकि रात में ही पे सोते हैं, क्योंकि क्रियांश इधर उधर रात में भागते रहता है तो गिरने का डर रहता है। तो फटाक से रूम को करते हैं ठीक, उसके बाद आगे पूजा का भी घर जो है। तो फाइनली हमारा रूम हो गया ठीक, अब चलते हैं दूसरा काम फटाक से कर लेते हैं क्योंकि अभी तक क्रियांश आया नहीं है। तो अभी आया है मेरा एक पार्सल, और इस पार्सल में क्या मैं दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है लॉन्ड्री बैग, जो कि बहुत ही
इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, जो धोने वाला कपड़ा है सारा, इसमें डाल के आप एक जगह रख सकते हैं। काफ़ी लंबा भी, और इसको ऐसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं। हमने सोचा है क्रियांस का जो भी धोने का कपड़ा रहता है, क्योंकि क्रियांस एक दिन में 4 से 5 कपड़ा पहनता है, तो उसको मैं इसमें रखूँगी और नेक्स्ट डे दूँगी। तो इसमें हमने डाल दिए हैं सारे धोने वाले कपड़े जो भी धोने वाला है हमारा, और जब मैं धो लूँगी तो इसको फोल्ड करके रख दूँगी। और आज हमारे किचन में बन रहा है पत्ता गोभी, आलू पत्ता गोभी की सब्जी, दाल बन गया है, चावल चढ़ गया, और यहाँ पे बनेगा करेला में जो भर के बनाते हैं ना मसाला, तो वही बनाएंगी माँ, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है। मसाला भी यहाँ पे तैयार हो चुका है, बस बनना है। और इस रूम को अब ठीक करने की बारी है। देख सकते हैं यहाँ पे क्रियांस हमारा सारा सामान फैला के गया है। सारा सामान ये नीचे था, हमने उठा के यहाँ रखा, और इसको भी देख सकते हैं आप, इसको भी पूरा फैला के गया है। ये डेली का काम है हमारा कि इसको ठीक करना है। और ये है हमारा करेले का पानी। तो बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं, तो हमने सोचा करेले का पानी पिए, थोड़ा हो सकता है फायदा हो। तो माँ करेला उबाल रही थी, तो माँ को मैंने बोला माँ मुझे पानी दे दीजिएगा करेले का, तो फिर हम पी लेते। क्या हो रहा है क्रियांस क्लास में, क्या हो रहा है ये? A few moments later. क्रियांश रेडी हो गया? क्रियांश क्रियांश रेडी हो गए? बोलिए रेडी हो गए आप? हाँ तो फिलहाल जी क्रियांस सो गया है, और क्रियांस सोने के साथ जो है अब हम निकल रहे हैं जी बाहर, और जिया जो है अपना नहाने जा रही है, और क्रियांस के नहाने के साथ जो है मेरा भी नहाना हो जाता है, क्योंकि क्रियांस को जब नहाते हैं खुद भी अच्छा खासा भींग जाते हैं उसको नहाने के चक्कर में, तो खाना पीना भी हो गया उसके साथ, नहा लेते हैं तो आपका डेली याद आता है कि शाम में नहा, शाम में नहाते थे। ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो अच्छा है सुधार आया है। तो चलते हैं नीचे, बाहर है जी जबरदस्त धूप, क्या कहे जी, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है लेकिन अभी मजबूरी है निकलना। तो ये फाइनली हमारा लहंगा आ गया जो कि हमने मंगवाया कृतिका जिनत से, ये है चांदनी चौक में इनका शॉप है, जिनको भी लेना है आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है, यूट्यूब का भी आईडी है। तो दिखाई बैग, तो जिया जो है बहुत ज्यादा देखती थी बहुत सारे क्रिएटर को इनका लहंगा पहनते हुए, बहुत अच्छा लगता था जिया को, तो जिया भी सोची थी कि एक बार इनसे खरीद करके देखते हैं कैसा रहता है, अपना मंगाई है तो कैसा रहता है जिया आपको दिखाएगी, बहुत प्यारा है बहुत। ओके देख लेते हैं, खोलते हैं इसको, वाह देख लो तुम भी देख लो। ये लहंगा तुम्हारे, वैसे रितु को हम पहले भी दिखा चुके हैं ना, कैसा है माँ को दिखाते अच्छा हैं। माँ ये देखिए ये लहंगा कैसा लगा माँ आपको लहंगा, अभी पैकेट में देखे तो अच्छा ही लग रहा, पहनने के बाद देखेंगे कितना अच्छा लग रहा, बहुत बहुत प्यारा है। रितु को दिखाए थे पहले इसका, मतलब वो ड्रेस जब वो पसंद करने भेजी थी ना, वो पसंद करने भेजती हैं तो उसमें बहुत प्यारा लग रहा था। तो जिया तो अपना ड्रेस मंगा लीजिए लहंगा, और जिया जब बर्थडे के दिन पहनेगी उस दिन आपको पता चलेगा कि कैसा है लहंगा, अच्छे से मालूम चलेगा। वैसे यहाँ से तो देख लीजिए जी अच्छा लग रहा है इसका बिल्ड क्वालिटी सब सब कुछ, ऐसे हमने वीडियो कॉल पे भी देखा था बहुत प्यारा था, अब पहनने के बाद ही मैं दिखाऊंगी कैसा लगता है। ठीक है तो जिया का तो आ गया सारा कपड़ा सब, बाकी हम लोगों का कपड़ा खरीदने का, तो हम लोग भी अपना खरीदेंगे बर्थडे के दिन जो भी पहनना है।